स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, और अब डिस्कस करते हैं कि हमने 26 मार्क का जो पैटर्न है वो क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है और किस तरीके से अपने आंसर को बेहतर बनाना है। ठीक है, देखिए दुनिया के अंदर कभी भी आप कोई भी एस्से लिख रहे हैं, ठीक है, उस एस्से के लिए उसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पैटर्न। देखिए सबसे पहले एग्जाम में सिंपल सी एक चीज समझते हैं, एग्जामिनर हमसे कह रहा है इवैल्यूएट द व्यू दैट, या कहानी लिख स्टेटमेंट लिखने के बाद कहता है इवैल्यूएट दिस व्यू, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इवैल्यूएशन, जस्ट हैंड रेस करेंगे, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा जो लोग मुझे यहां देख रहे हैं वो भी अपनी इवैल्यूएशन अपने बारे में एक पेज पे लिख लें कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इवैल्यूएशन के बारे में। जी जनाब प्लीज। यस बॉस। हाँ, इवैल्यूएशन का मतलब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक हो गया। और लाइबा बेटा आपका क्या एनालिसिस है? मिल गया कुछ कुछ एक्सप्रेस आउट, कोई मसला नहीं है, गलत ही बोलोगे ना, मसले की बात थोड़ी है। आपका नाम क्या है? ताह तो नहीं, आपके आगे? जी जी ईमान, ईमान हक। अच्छा ओके फाइन। ना यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, यही होता है बेटा, क्या करें। अच्छा वो यहाँ मुलाकात हो गई। अच्छा तो ईमान, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करने का नाम इवैल्यूएशन होता है, एक्सप्लेन करने को इवैल्यूएट कहते हैं। और अच्छा यस बॉस। अच्छा कंक्लूजन निकालना, ओके कंक्लूजन निकालने को इवैल्यूएशन कहते हैं, ओके कंक्लूजन निकालने को इवैल्यूएशन कहते हैं। हाँ टू डिस्क्राइब समथिंग, टू डिस्क्राइब एन इम्पैक्ट ऑफ एनी थिंग। हाँ जी इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट। मलिहा आप बाकी रह गए, प्लीज़ बता दें, कोई मसला नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ टू फोर गेंस है, ओके देखिए इट्स मोर लाइक एन आइडिया इफ यू आर गोइंग टू से कि यार मैं इवैल्यूएट की टर्म के साथ बहुत नाइंसाफी करूंगा इफ आई एम गोइंग टू से दिस थिंग इवैल्यूएशन मीन्स या इवैल्यूएट मीन्स जस्ट टू टॉक अबाउट फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है इवैल्यूएट का मतलब क्या है? ठीक है लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैंने किसी को बोला कि यार तुम मेरी क्लास में आओ बैठो, मेरी वर्कशॉप को इवैल्यूएट करो, वर्कशॉप को इवैल्यूएट करो। ठीक है वर्कशॉप को इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या कुछ हो सकता है कि भाई मैं उस चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, मैं उस चीज़ की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात करूं, मैं उस चीज़ के फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करूं, मैं उस चीज़ के फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर एस्पेक्ट का मतलब है कि भाई ये चीज़ यहाँ तक है लेकिन ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, एम आई राइट? मैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, मैं उसके क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन की बात करूं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी इज अलाउड इन सम कंट्रीज बट लाइक कंट्रीज लाइक ईरान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इट्स नॉट अलाउड एज पर द लॉ, इट्स अ क्रॉस कल्चरल वेरिएशन, एम आई राइट? क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, एम आई राइट? देखो एक्चुअल में इवैल्यूएट के अंदर इंट्रोडक्शन भी आता है, सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट भी आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट भी आता है, और इवैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट। इवैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट का मतलब है कि आप उसकी लिमिटेशन की बात करें, आप उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करें, आप उसके वीकनेसेस की बात करें, एम आई राइट? क्लियर हो रही है बात? अब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट एनीथिंग इन योर लाइफ यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। फॉर एंड अगेंस्ट वाली बात ना ये बड़ी खतरनाक बात है, ये ओ लेवल्स की हद तक तो ठीक है लेकिन ए लेवल्स की हद तक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉरन अगेंस्ट की बात करो तो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को तो बिल्कुल भूल जाओगे। लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट वेब 2.0, वेब 2.0 को मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं जो हमारा सोशल मीडिया है, एम आई राइट? अब लेट्स सपोज अगर मैं इसकी इवैल्यूएशन में वेब 3.0 का डिस्कशन ना करूं तो यह बात गलत नहीं होगी थोड़ी सी? भाई मैं अगर फॉरन अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आइडिया दैट सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड फॉर द बिजनेसेस, इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी एंड हार्मोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बट ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट गुड फॉर द, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड दिस एंड दैट, एम आई राइट?
मैंने फॉर अगेंस्ट करके कहानी ख़त्म कर दी, और दूसरे आंसर में मैंने कहा, दूसरा फॉर्मेट ये बनाया कि ऑल दो इफ यू टॉक अबाउट द वेब 3.0, इट्स मोर अबाउट अ सिमेंटिक वेब, इट्स मोर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मोर अबाउट द मेटावर्स, इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ डिजिटल करेंसी। मैंने उस चीज़ के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात कर दी कि भाई इसके जो प्रॉब्लम्स थे उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ने उसको मिनिमाइज कर दिया। एनी कन्फ्यूजन चले मलिया मलिया, इज इट फाइन? सो इन इवैल्यूएशन यू नीड टू, यू आर नॉट अलाउड टू जस्ट फोकस ऑन द फॉर और अगेंस्ट स्टफ, यू नीड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, यू नीड टॉक अबाउट अ क्रॉस कल्चरल कंपेरिजन, यू नीड टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कंपेरिजन। समझ में आई बात? तो यू नीड टॉक अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की जब हम टर्म यूज करते हैं ना सोशियोलॉजी में, इज वन ऑफ द की टर्म्स इन सोशियोलॉजी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ आइडियाज, डिफरेंस ऑफ ट्रुथ, एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग इन योर लाइफ। एनी कन्फ्यूजन चलिए? ओके, सो वेन एवर वी आर गोइंग टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका इंट्रोडक्शन है। क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, जिंदगी में याद रखिएगा किसी भी सोशियोलॉजिकल ऐसे का कोई ये फर्स्ट एंड फाइनल फॉर्मूला नहीं है। यू कैन अमेंड दिस फॉर्मूला एज पर योर ईज, एंड यू कैन चेंज इट, यू कैन डेवलप इट, ठीक है। दुनिया में हर इंसान ने अपना फॉर्मूला डेवलप किया, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। द फर्स्ट एलिमेंट इज, अब मैं आपको इसके डिफरेंट फॉर्मूला तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। डिफाइन द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, demonstrate that you have understood the view expressed in the question. ये सबसे important चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कोई key term होती ही नहीं है, कभी कभी कोई key term exam में exist ही नहीं करती। जब वो key term exist नहीं करती तो आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बहुत simple सा formula आपने बताना है, what it means, ये कहता कौन है। सही है, let's suppose, statement develop करते हैं। Evaluate the view that the family is an ideological state apparatus. Family is a is a part of ideological state apparatus. ये कौन कहता है? According to Marxist view, the family is a part of ideological state apparatus. आपको अपनी understanding show करनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, examiner का जो perception create होता है, ये कोई maths नहीं है कि examiner के पास एक sheet बनी हुई है, एक answer निकला हुआ है, उसने check कर लिया, answer सही, 100 out of 100, खत्म कहानी, chillings। ऐसा कोई scene नहीं है, ठीक है? Examiner का अपने perception build करना है। और मैं जब खुद पर्सनली भी पेपर चेक करता हूं तो मुझे फर्स्ट पैराग्राफ बता देता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है टॉपिक की। समझ रहे? बिकॉज उससे अंदाजा होता है कि क्वेश्चन समझ में, भाई सो तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ठीक है भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो देखो आप क्या आगे हो सकता है इससे। एक परसेप्शन खराब हो गया आपका, तो आपने अपनी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग शो करनी है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग शो करनी कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया बॉस, ठीक है। की टर्म करें ना करें वो आप पर है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग शो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सोशियोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसी चीज में होती है, उसके लिए रीडिंग करें। सही है, आप वीडियोस देखना है, वीडियोस देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस में आज मैं कराऊंगा आप लोगों के सामने। फिर कहते हैं द बॉडी ऑफ द एसे शुड बी स्ट्रक्चर्ड एज एन एग्री और डिसएग्री एसे, अ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ प्लान फॉर द बॉडी ऑफ द एसे फॉलोज। यानी कि हमने एग्री एंड डिसएग्री की बात करनी है, ठीक है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात करनी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फैमिली इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट फैमिली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, एम आई राइट? तो आपने दोनों व्यूज को पहले पैराग्राफ में डिफाइन कर लिया, कहानी खत्म, आगे बढ़े। 2 मिनट मैक्सिमम, लंबी नहीं करनी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, कहानी खत्म, जान छोड़ो, आगे बढ़ो, बॉडी पे आओ, मेजर पार्ट है, मार्क्स वहां मिलेंगे। क्योंकि आपके पास अब बहुत सारे बच्चे सारे सोशियोलॉजिस्ट माशाल्लाह फर्स्ट पैराग्राफ में डालते हैं और नीचे बकवास लिखी हुई है, वही कहानियों को रिपीट रिपीट कर करके लिखा हुआ है, क्यों मिलेगा? एग्जामिनर बोलेगा बेवकूफ समझा हुआ इसने मुझे, इसको स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एग्जामिनर ने कहीं पे भी कोई एक फाइनल फॉर्मूला सोशियोलॉजिकल एसे का नहीं दिया। सही है, क्योंकि हो ही नहीं सकता दुनिया में, आपके एसे का कोई फॉर्मूला बिल्ड ही नहीं कर सकते भाई, कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल, ठीक है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा, मैं आपको बहुत पहले सिंपल फॉर्मूला बनाऊंगा फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। जिंदगी में याद रखें, यू नीड टू टॉक अबाउट 3 things इन योर पैराग्राफ, यू नीड टू टॉक अबाउट 3 things इन योर पैराग्राफ। फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर आर्गुमेंट, आपने अपना आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस करना है, सही हो गया जी।
फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल. एम आई राइट? एंड देन यू नीड टू इवैल्यूएट इट. देन यू नीड टू इवैल्यूएट इट. इवैल्यूएट का मतलब है